हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से एक और जो भर्ती आई थी, विज्ञापन संख्या 7/19, तो उसके आलोक में यहां पर सीधी भर्ती हेतु आया है इम्पोर्टेंट अपडेट। तो यहां पर क्या है, जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आई थी कर्म पत्र वितरक के पद पर, तो उसका जो है आपको सीधी भर्ती हेतु 17 फरवरी 2020 को आपका विधान परिषद का जो भवन है वहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सिस्टम से अपना बुक सेट करना पड़ेगा, और आप अपने टाइम और डेट खुद सेट कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप खुद से स्लॉट बुकिंग कीजिए ऑनलाइन। उसके बाद ही जो है आप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। यानी सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्लॉट बुकिंग ऑनलाइन, उसके बाद ही आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, उसके बाद ही आप जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो जो लोग फॉर्म भरे थे यहाँ पर विज्ञापन संख्या 7/19 के आलोक में फोर्थ ग्रेड के पोस्ट पर, कर्म पत्र वितरक के पोस्ट पर, तो यहाँ पर जाइए, आप लोग अपना स्लॉट बुकिंग कीजिए, लिंक एक्टिव हो चुका है, और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और जाइए इंटरव्यू में। और यहाँ पर आप लोग को जो है कोई भी बाय पोस्ट या डाक से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, जो आप कीजिएगा डाउनलोड ई एडमिट कार्ड वही आपका मान्य होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो भी आता है अपडेट, इससे पहले भी मैंने जो विज्ञापन संख्या आया था मैंने अपडेट लेकर आया आपके लिए। तो यहाँ पर जो है आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर जब आएगा फोर्थ ग्रेड कर लेके आइएगा, तो यहाँ पर आ चुका है ऑफिशियल अपडेट। तो जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, स्लॉट बुकिंग कीजिए और डाउनलोड कीजिए एडमिट कार्ड, और आप जाइए इंटरव्यू में। तो ये तो फ्रेंड्स अपडेट जो कि आप लोग को देना था, और आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट या जॉब्स के अपडेट आपको मिलते रहे, तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहे और कोई वैकेंसी मिस नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बिहार में जो है पंचायत सचिव का 3600 पदों पर बम्पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो अब जाके वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, अब जाके देखिए। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो एग्ज़ाम लिया था इंटर लेवल का, तो उसका जो है PT का रिजल्ट जारी हो चुका है, जो कि 2014 का वैकेंसी था। तो बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर जाकर देख लीजिए। और बिहार में अमीन भर्ती का जो आया था वैकेंसी 1767 पदों पर, तो उसका यहाँ पर बड़ा अपडेट मैंने कल शाम में अपलोड कर दिया है एडमिट कार्ड और परीक्षा के सूचना के बारे में, तो जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ये सब वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।